हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मुंबई की शान बड़ा पाव रेसिपी। ये खाने में बहुत स्पाइसी एंड टेस्टी है और हम इसको बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबुत सौंफ डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, 1/4 चम्मच जीरा साबुत और 1/4 चम्मच राई के दाने। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएं, हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये भुन जाएंगे, इसमें हम बारीक कटी हुई एक मीडियम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम पिंक होने तक भूनेंगे। प्याज भुन चुकी है, अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको डाल के मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन मटर का भी यूज किया है, इसको भी हम मसाले के संग मिला देंगे। अब इसमें उबले हुए और मैश किए हुए करीब 3 आलू जो मीडियम साइज के हैं उनको डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को भून लेंगे। अब इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बर्तन में 1 कटोरी बेसन लेंगे, उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर डालकर इन सबको मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका हमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बहुत पतला नहीं बनाना है, ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब आलू का मिक्सर ठंडा हो गया है, उसके बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से हम बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और जो हमने आलू के बॉल्स बनाए थे उसको बेसन के घोल में अच्छे से लपेट देंगे और एक एक करके गरम तेल में छोड़ते जाएंगे। तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गरम ऑयल होगा तो बड़े जलना शुरू हो जाएंगे। अब इन बड़ों को धीरे धीरे पलटते हुए हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। बड़े सिककर तैयार हो गए। पाव को हम बीच में से कट करेंगे, हमें पूरा कट नहीं करना है, पीछे से पाव जॉइंट रहना चाहिए, आगे से इस तरह से कट करना है। अब एक तवे को गरम करेंगे, उसमें आप बटर या घी कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा ही डालना है बटर या घी। और उस पर हम पाव को हल्का हल्का सेकेंगे। अब इधर हम चटनी पहले से बनाकर रखी हुई है, मैंने ग्रीन चटनी है और रेड चटनी। रेड चटनी के लिए मैंने टमाटर और लाल साबुत मिर्च को और लहसुन को मिलाकर पीस लिया है। अब हम पाव में एक साइड में रेड वाली चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, चटनी की क्वांटिटी भी अच्छे से रखेंगे, और दूसरी साइड में ग्रीन वाली चटनी को हम स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से ये दोनों चटनी हमने पाव में दोनों साइड लगा दी है। अब हम बड़े को लेंगे और उसको हल्का सा फिंगर से फ्लैट करके दोनों चटनी से बीच में रख देंगे।
इस तरह से ये बड़ा पाव बन गया है। इसी तरह हम बाकी के बड़ा पाव भी तैयार कर लेंगे और इसको ऑनियन रिंग से प्रेजेंट करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा बारीक सेव डालते हुए इसको सर्व करते हैं। और ये बड़ा पाव की टेस्टी एंड स्पाइसी रेसिपी खाने के लिए एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।